हे स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव प्रसाद त्रिपाठी आपके लिए रसायन विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ ट्रिक लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लगभग दो तीन क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, मानकर चलिए कम से कम दो नंबर पक्का। और यदि ये ट्रिक आपके समझ में आ गया तो साथ ही साथ आप इससे एक पता कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन कैसे होता है और उसमें उसको कैसे पूरा किया जाता है, दिया गया रासायनिक समीकरण सही है या गलत है आसानी से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बिना समय नष्ट किए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। ट्रिक हमारा है ली कटहल बैगन सरकार ना मागा अल मन जन सार फी सा फीसट को नी सन प्यारे भाया है तू हज अज पट और आया। बड़ा ही आसान सा ट्रिक है और हर लीटर पर एक एक शब्द है, हर शब्द पर एक एक लीटर है। यल आई से ली हो गया, के से कटार हो गया, बी ए से बैगन हो गया, यस आर से सर हो गया, सी ए से कार हो गया, यन ए से ना हो गया, यम जी से मागा हो गया, ए एल से अल हो गया, यम एन से मन हो गया, जेड एन से जन हो गया, सी आर से सार हो गया, एफ ई से फी हो गया, सी डी से सड़ हो गया, सी ओ से को हो गया, यन आई से नी हो गया, यस एन से सन हो गया, पी बी से प्यारे भाया, यच से है, सी यू से कु, यच जी से हज, ए जी से अज, पी टी से पट, ए यू से और आया। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। वैसे आप इसको याद कर नहीं सकते, हम ये नहीं कहते नहीं कर पाएंगे, शायद आपसे याद करने में त्रुटियां हो जाए या इनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में जब क्रम ऊपर नीचे हो जाएगा तो रासायनिक समीकरण सही है या गलत इसका डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। लेकिन यदि ये आप याद कर लेंगे, ली कटहल बैगन सरकार ना मांगा अलमंजन सार फिसट पूर्ण सन प्यारे भाया है भज अज पट और आया, तो इस तरह से आपका ये दो नंबर जो बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपका छूटेगा नहीं। तो अब इसका देखिए डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम सक्रिय धातु कहते हैं, और हाइड्रोजन से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इनके सक्रियता का क्रम बढ़ता है और नीचे आने पर सक्रियता का क्रम घटता है। और अगर किसी कंपाउंड में कोई एटम्स किसी कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो उसमें से किस एटम को विस्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इसकी सहायता से इसी का निर्धारण करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसकी सहायता से धातु की क्रियाशीलता का निर्धारण किया जाता है कि मतलब कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है, इसकी क्रियाशीलता कम है किसकी अधिक है, इसकी सहायता से की जाती है। दूसरा है इसकी सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की पॉसिबिलिटी का पता लगाया जाता है, मतलब कि रासायनिक संक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, दिया गया रासायनिक समीकरण सही है या गलत है इसको हम इसी की सहायता से पता करते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ दो एग्जांपल दिया है, बहुत इजी है। हमने लिखा है AgSO4 + Mg, AgSO4 मींस सिल्वर सल्फेट। अब ये आगे हमको प्रोडक्ट मिला है MgSO4 + Ag। अब हम देखेंगे यहाँ डियर स्टूडेंट्स, SO4 किसका किसके साथ है, Ag के साथ है। आफ्टर रिएक्शन SO4 किसके साथ है, Mg के साथ है, मैग्नीशियम के साथ है, मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है और सिल्वर एटम्स निकल जा रहा है। अब हम देखेंगे ये सही है या गलत। तो पोजीशन Ag का क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, यहाँ है, और Mg का पोजीशन कहाँ है, Mg का पोजीशन यहाँ है। तो डियर स्टूडेंट्स, Mg जो है Ag से ऊपर है, अर्थात इसकी क्रियाशीलता Ag से ज्यादा होगी, अर्थात ये रिएक्शन क्या है, सही है और पॉसिबल है। नेक्स्ट हमने लिया है H2SO4 + ZnO, फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 + H2। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक का चूर्ण मिलाया गया या ZnO से रिएक्शन करवाया गया तो जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है और ZnO का पोजीशन क्या है। तो हाइड्रोजन का पोजीशन यहाँ है और ZnO का पोजीशन, डियर स्टूडेंट आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ है। तो ये जो मेरा ZnO है ये हाइड्रोजन से ऊपर है, मींस ZnO की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से मैक्सिमम होगी। सो ZnO SO4 से रिएक्ट हो जाएगा और H2 को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, मींस ये रिएक्शन हमारा क्या है, पॉसिबल है, 100% सही है। लेकिन
देखेंगे सीए का पोजीशन, सीए का पोजीशन विद्युत रासायनिक श्रेणी में डियर स्टूडेंट यहां है और सीयू, सीयू का पोजीशन डियर स्टूडेंट यहां है। अब आप देखिए सीयू सीए से नीचे है, अर्थात सीयू की क्रियाशीलता जो है, जो सीयू है हमारा, इस सीयू की क्रियाशीलता सीए से कम होगी, मींस ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मींस ये केमिकल रिएक्शन क्या है, गलत है। तो डियर स्टूडेंट ये ट्रिक अगर मैं भरोसा रखता हूँ कि ये ट्रिक आपके समझ में आया होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ली कटर बैगन सरकार ना मांगा अमंजन सार फिसड कोणी सन प्यारे भाया है गुज अधपट और आया। यदि ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, यकीन मानो 100% हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 2 नंबर और इंटरमीडिएट में कम से कम 5 या 6 नंबर इससे मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं इसकी वीडियो हम नेक्स्ट, इसका वीडियो नेक्स्ट बार में बनाएंगे। और कैसे आते हैं इसका क्वेश्चन, किस तरह से रिलेटिव हाई स्कूल में होते हैं, कैसे इंटरमीडिएट में होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।